वेलकम बैक, क्या हाल है। 20 से 25,000 रुपए का बजट है और एक नया फोन लेने का प्लान कर रहे हो तो आज हमारे पास है दो तगड़े नए स्मार्टफोन। पहला फोन है वीवो का वीवो T3 Pro और दूसरा फोन है मोटो का मोटो एज 15 Neo। अब कंफ्यूज हो कि भाई इन दोनों फोन में से कौन सा फोन लें, और अभी सेल भी चली है तो सेल के ऊपर अच्छा खासा डिस्काउंट भी आपको दोनों फोन के ऊपर देखने को मिल जाएगा। लेकिन फिर भी भाई कौन सा फोन आपको लेना चाहिए, किसकी डिस्प्ले मस्त है, किसका डिजाइन मस्त है, बैटरी बैकअप किसमें तगड़ा देखने को मिलेगा, परफॉर्मेंस उसकी तगड़ी है, कैमरा भाई इसका आपको मस्त देखने को मिलता है, सब कुछ मैंने इस वीडियो में कंपेयर किया है और डिटेल में आपको बताया है कि भाई जहां पर मोटो बैटर है वहां पर मोटो को बैटर बताया है, जहां पर वीवो बैटर है वहां वीवो को अच्छा बताया है। तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक वॉच करना अगर आप लोग इन दोनों फोन को बाय करने का प्लान कर रहे हो और कंफ्यूज हो कि भाई मोटो का फोन लें या वीवो का फोन लें। पहली बार चैनल के ऊपर चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दो। सबसे पहले दोनों फोन के आइडल बैटरी देने की बात करते हैं। देखो दोनों फोन को मैं पिछले 2-3 हफ्तों से यूज कर रहा हूं और जितना मैंने टेस्ट किया तो मुझे जो आइडल बैटरी देने की प्रॉब्लम है मेजर किसी फोन में देखने को नहीं मिली। मैंने दोनों फोन को रात को टेबल के ऊपर रखकर छोड़ दिया, ब्लूटूथ वाईफाई सब कुछ ऑफ था, सब मेरा नेट ऑन था और मेरा सिम का जो नेटवर्क था वो चला हुआ था, तो नोटिफिकेशन वगैरह आई थी, स्क्रीन ऑन ऑफ हुई थी, तो दोनों फोन में मुझे 4-5 घंटे का जो बैटरी देने की वो देखने को मिल जाता है। लेकिन मैं मोटो के अंदर जो आइडल बैटरी लेने की प्रॉब्लम है कुछ केसेस के अंदर भाई यहां पर जो बैटरी लेने का आइडल का वो आप लोगों को 8-10% तक भी देखने को मिला है, तो लेकिन वीवो के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगली चीज, मैंने दोनों फोन का प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी चेक कर डाला और ये सब कुछ मैंने किया आप सबके लिए, तो फटाफट से वीडियो को लाइक मारो। अब देखो 10 बार आप कॉल करोगे दोनों फोन का प्रॉक्सिमिटी सेंसर 10 बार काम करेगा और दोनों फोन में आपको हार्डवेयर बेस्ड प्रॉक्सिमिटी सेंसर देखने को मिलता है तो लॉन्ग टाइम में वो बढ़िया काम करेगा। अब सबसे पहले डिजाइन की बात करते हैं, तो देखो वीवो देखने में कुछ इस तरीके का लगता है और रियली भाई फोन का डिजाइन सो एलिगेंट सो प्रीमियम और बैक में आपको वीगर लेदर देखने को मिलता है, उसके ऊपर स्क्रैचेस वगैरह फिंगरप्रिंट के निशान वगैरह वो आपको नोटिस नहीं होंगे और फोन बहुत हल्का भी है, 170 ग्राम के आसपास आपको फोन का वेट देखने को मिलता है। हल्के के साथ साथ फोन बहुत पतला भी है, 7.6 mm की थिकनेस है और इस फोन में आपको 5500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, तो यहां पर वीवो को थम्स अप है भाई, इतनी बड़ी बैटरी और इतना पतला फोन बना दिया है और फोन आप लोगों को कर्वी शेप के साथ देखने को मिलता है तो इन हैंड फील काफी अच्छा आता है, ग्रिप काफी अच्छा बन जाता है। बाकी भाई फोन थोड़ा सा देखने में बड़ा लगता है और हैंडी भी फोन है, अगर आप लोग सिंगल हैंड से फोन को यूज करना चाहें तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, पूरा ग्रिप हाथ में अच्छे से नहीं बन पाता। वही मोटो की बात करें तो मोटो देखने में कुछ इस तरीके का लगता है और मोटो का मेरे पास ये ब्लू कलर है जो भाई पूरा प्रीमियम लुक देता है, इसके बैक में आपको वीगर लेदर देखने को मिलता है और ये प्रीमियम वीगर लेदर है और फोन बॉक्सी डिजाइन के साथ आता है और कॉम्पैक्ट है, सिंगल हैंड से आराम से फोन को यूज कर सकते हो, फोन का वेट भी ज्यादा नहीं है, 173 ग्राम के आसपास आपको फोन का जो वेट है वो देखने को मिल जाता है और फोन में आपको 8.1 mm की थिकनेस देखने को मिलेगी। भाई फोन का वेट इसलिए कम है क्योंकि इस फोन में आपको 4310 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, तो यहां पर मोटो ने भाई थोड़ा गलत काम किया भाई, इतना महंगा फोन और इतनी कम बैटरी। बाकी दोनों फोन अगर आप लोग साइड बाय साइड देखोगे तो यहां पर दोनों फोन वीगर लेदर के साथ आते हैं, दोनों फोन का वीगर लेदर बढ़िया है, कंपनी ने अच्छी क्वालिटी का मटेरियल जो है बनाने में यूज किया, लेकिन जितना मैंने दोनों फोन को टेस्ट किया मुझे जो सॉफ्ट फील है मोटो के वीगर लेदर के ऊपर आया, वीवो का वीगर थोड़ा सा हार्ड लगता है टच करने के अंदर। मोटो में आपको मिलिट्री ग्रेड 810 की प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है, तो अगर आपका फोन कहीं नीचे गिर जाता है तो टूटने के चांसेस थोड़े कम है, लेकिन यही बोलूंगा अगर आप लोग उसको ध्यान में रखकर फोन को गिराते हो फोन टूट जाता है कंपनी क्लेम नहीं देगी। वीवो के अंदर ऐसी कोई प्रोटेक्शन नहीं है, लेकिन भाई ये फोन पतला है और बिल्कुल भी स्लिपरी नहीं है तो आपके हाथ से स्लिप नहीं होगा। बाकी दोनों फोन के बॉक्स में आप लोगों को जो कवर है वो देखने को मिल जाता है, मोटो के अंदर भाई आप लोगों को हार्ड कवर देखने को मिलता है जो साइड को बिल्कुल प्रोटेक्ट नहीं करता और वीवो के अंदर आप लोगों को ट्रांसपेरेंट टीपीयू केस देखने को मिलता है, वो भी आप लोगों को प्लास्टिक का देखने को मिल जाता है, थोड़े टाइम बाद वो भी पीला पड़ जाता है, लेकिन वो आपके पूरे फोन को कवर प्रोटेक्ट करता है। ओवरऑल डिजाइन दोनों फोन का बढ़िया है, अगर आप लोग दोनों फोन को साइड बाय साइड कंपेयर करके देखते हो तो यहां पर यूजर की अपनी प्रेफरेंस आती है, किसी को भाई ये वीवो का डिजाइन पसंद आता है तो किसी को ये मोटो का, लेकिन मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर मुझे भाई एक कॉम्पैक्ट फोन पसंद आता है और यहां पर वीवो का जो साइज है वो भी कॉम्पैक्ट है और जो डिजाइन है वो भी कॉम्पैक्ट और मिनिमल सा डिजाइन देखने में लगता है, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यहां पर मोटो के साथ ज्यादा है। आपको वीवो का डिजाइन ही पसंद आ सकता है, वीवो का डिजाइन भी देखने में बढ़िया लगता है, ऐसा नहीं खराब, ये डिजाइन भी बढ़िया है। दोनों ही फोन में ड्यूल माइक है और मोटो में आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी मिलता है और 3 माइक है नॉइस कैंसिलेशन के, वीवो में 2 माइक है नॉइस कैंसिलेशन के, तो कॉल क्वालिटी यहां पर मोटो में आप लोगों को बढ़िया आएगी। बाकी दोनों फोन में आपको ड्यूल सिम का सपोर्ट मिल जाता है, मेमोरी कार्ड किसी फोन में नहीं लगा सकते और हेडफोन जैक का गड्ढा तो किसी फोन में नहीं है, दोनों ही फोन में ड्यूल स्पीकर है। अब साउंड टेस्ट करते हैं, सबसे पहले वीवो की बारी है, आवाज सुनना।
देखो वीवो की लाउडनेस काफी अच्छी है, 100% वॉल्यूम के ऊपर आपको नॉर्मल से साउंड मिलेगी, लेकिन जैसे आप लोग साउंड को बूस्ट कर देते हो इस फोन में आपको 300% तक बूस्ट कर सकते हो, वहां पर लाउडनेस बढ़ जाती है, बेस भी बढ़ जाता है और ट्रैवल भी बढ़ जाती है, जो अच्छी बात है। तो इसका स्पीकर मुझे डिसेंट लगा इस प्राइस रेंज के अंदर। अब बारी आती है मोटो की, इसमें डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी है, इसकी साउंड सुनना। भाई मोटो की साउंड आपको काफी तगड़ी जबरदस्त देखने को मिलेगी, लाउडनेस काफी अच्छी है, बेस ट्रेबल भी आप लोगों को बिल्कुल एडजस्ट देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग इस साउंड को कंपेयर करोगे वीवो के साथ तो लाउडनेस कम रहेगी। कनेक्टिविटी की भी कोई कमी नहीं है, दोनों फोन में आपको वाईफाई 6 का सपोर्ट मिलेगा, दोनों फोन ब्लूटूथ वर्जन 5.4 को सपोर्ट करते हैं, मोटो में IP68 की रेटिंग है तो पानी वगैरह के अंदर फोन नीचे गिर जाता है तो आपका खराब नहीं होगा, और वीवो में आपको IP64 की रेटिंग देखने को मिलती है। वीवो में आपको 13 5G के बैंड मिलेंगे, मोटो में आपको 16 5G के बैंड देखने को मिलते हैं। दोनों फोन 4G प्लस कैरियर को बढ़िया सपोर्ट करते हैं। 5G वगैरह का टेस्ट किया, अच्छी स्पीड आपको दोनों फोन में 5G की देखने को मिल जाती है, कोई आपको नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं होगी, तो कनेक्टिविटी भी दोनों फोन की काफी बढ़िया है। बैटरी की बात करें तो मोटो में आपको 4310mAh की बैटरी मिलती है, 68W की वायर चार्जिंग को सपोर्ट करता है और 15W की वायरलेस चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है, और बैटरी बैकअप 5 से 6 घंटे का आपको देखने को मिलता है। वहीं वीवो में आप लोगों को भाई 5500mAh की बैटरी मिलती है, 80W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी और आराम से एक दिन का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है, तो बैटरी के मामले में यहां पर Vivo विनर है। Moto H50 Neo को फुल चार्ज होने में 40 से 45 मिनट लगते हैं और Vivo T3 Pro को फुल चार्ज होने में 60 से 70 मिनट लगते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं डिस्प्ले की, तो सबसे पहले Vivo T3 Pro की बात करते हैं। इस फोन में आपको 6.7 इंच की फुल HD सुपर AMOLED कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगी और भाई इसमें आपको 4500 nits की ब्राइटनेस भी देखने को मिलती है, तो आउटडोर के अंदर कोई आपको ब्राइटनेस की जो दिक्कत है वो नहीं होगी और Gorilla Glass Victus की प्रोडक्शन भी मिलती है। वहीं Moto की बात करें तो Moto H50 Neo में आपको 6.4 इंच की सुपर AMOLED फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलती है और ये एक LPTO डिस्प्ले है और साथ में भाई इसमें आपको 3000 nits की ब्राइटनेस देखने को मिलती है, तो इंडोर आउटडोर में ये भी बढ़िया काम करते हैं, इसमें भी आप लोगों को ब्राइटनेस की कोई दिक्कत है वो नहीं होगी और इसमें आपको Gorilla Glass 3 की प्रोडक्शन देखने को मिल जाती है। दोनों फोन में आप लोग YouTube के ऊपर 4K HDR का जो कंटेंट है वो देख सकते हो और कलर्स वगैरह बढ़िया आते हैं, लेकिन हां जो Moto के कलर्स हैं वो आप लोगों को थोड़े सैचुरेटेड थोड़े से बूस्टेड देखने को मिलेंगे डिस्प्ले के अंदर, तो अगर आप लोग एडिटिंग वगैरह करते हो तो वहां पर आप लोगों को कलर करेक्शन जो है वो थोड़ा देख के और अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि भाई डिस्प्ले पहले ही बूस्टेड है, और ज्यादा बूस्ट कर दोगे तो डिस्प्ले में उतना देखने में मजा नहीं आता। बाकी Vivo के जो कलर्स वगैरह आते हैं डिस्प्ले के अंदर आपको बढ़िया बिल्कुल अच्छी डिटेलिंग निकाल करके दे देते हैं और Wide 1 L1 का सपोर्ट दोनों ही फोन के अंदर है। यूट्यूब नेटफ्लिक्स के ऊपर आप लोग बढ़िया जो कॉन्टेंट है HD में स्ट्रीम कर सकते हो, वो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। बाकी डिस्प्ले के चिन और बैरल्स भी आप लोगों को दोनों फोन के अंदर ठीक ठाक देखने को मिल जाते हैं। Moto की फ्लैट डिस्प्ले है Moto H50 Neo में, तो उनमें कोई ऐसी दिक्कत आपको नहीं होगी, मिस्टर कोई इशू नहीं होता, गेमिंग वगैरह करोगे तो बढ़िया आपको स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा। Vivo T3 Pro में आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिलती है और यहां पर भी यूजर की अपनी चॉइस आती है, जिसको भाई फ्लैट डिस्प्ले पसंद हो Moto H50 Neo ले ले, जिसको भाई कर्व डिस्प्ले चाहिए Vivo T3 Pro ले सकता है, लेकिन कर्व डिस्प्ले के अंदर दिक्कतें भी थोड़ी ज्यादा हैं भाई, अगर आपका फोन नीचे गिर गया तो टूटने के चांसेस ज्यादा हैं और भाई खर्चा बनवाने का उतना भी ज्यादा लगेगा। बाकी दूसरी चीज, इसमें आपको मिस्टर्स गेमिंग में काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं और भाई इनके ऊपर टेम्पर्ड ग्लास भी सही से फिट नहीं होता, तो यहां पर आप लोगों को ये चीजें ध्यान में रखनी होगी, उसी के बाद आप लोग इन दोनों फोन में एक फोन को चूज करना। नेक्स्ट अब सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, जो कि इंटरेस्टिंग पार्ट है। Moto में आपको Moto का हेलो UI मिलेगा और Vivo में आपको Vivo का FantaChoice 14, दोनों ही Android 14 के ऊपर बेस्ड है। कस्टमाइजेशन के फीचर्स काफी सारे आपको दोनों के अंदर देखने को मिल जाते हैं। सॉफ्टवेयर सपोर्ट की बात करें तो Moto H50 Neo में आपको 5 साल तक मेजर एंड्रॉइड के अपडेट और 5 साल तक सिक्योरिटी पैच के अपडेट मिलेंगे। Vivo में आपको 2 मेजर एंड्रॉइड के अपडेट, 3 साल तक सिक्योरिटी पैच के अपडेट मिलेंगे और दोनों का UI बिल्कुल डिफरेंट है। Moto का UI आपको बिल्कुल क्लीन मिलेगा, सॉफ्टवेयर आपको क्लीन एक्सपीरियंस के साथ आता है, कोई एड्स वगैरह कोई भूल वगैरह आपको देखने को नहीं मिलती। Vivo का UI आपको कस्टमाइजेबल UI देखने को मिलता है, तो कस्टमाइजेशन कुछ एक्स्ट्रा फीचर भी आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन साथ में अनवांटेड एप्स हैं जो आप लोगों को बूटवेयर है वो देखने को मिल जाता है। बाकी सॉफ्टवेयर Vivo के आपको टाइमली देखने को मिलते हैं, Moto के सॉफ्टवेयर कोई भरोसा नहीं है, कब आए कब ना आए और अपडेट आने के बाद फोन में क्या दिक्कत आए Moto का कोई भरोसा नहीं है, तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर जो पॉलिसी है वो आप लोगों को Moto की अच्छी देखने को मिलती है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर का रियल प्रैक्टिकल लाइफ में एक यूजर रिव्यू है वो Vivo का अच्छा है। नेक्स्ट अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, जिसका आप सब लोग इंतजार कर रहे हो। Moto H50 Neo MediaTek का Dimensity 7300 का 5G प्रोसेसर है, Vivo T3 Pro में Snapdragon का 7 Gen 3, दोनों के अंतस्कोर आपकी स्क्रीन के ऊपर सामने है,
स्टोरेज टेस्ट के रिजल्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर सामने है। ज्यादा स्कोर आपको Vivo T3 Pro के ही देखने को मिलेंगे। Vivo T3 Pro में आपको EFS 3.1 की स्टोरेज मिलती है, LPDDR 4X की रैम है। Moto Edge 15 Neo में आपको LPDDR 4X की जो रैम है वो देखने को मिलेगी, एंड जो आप लोगों को EFS 2.2 की स्टोरेज है वो देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर भी जो Vivo की स्पीड है रीड एंड राइट में वो आपको ज्यादा देखने को मिलती है। रियल प्रैक्टिकल लाइफ में टेस्ट किया, गेमिंग वगैरह ट्राई की, दोनों 460fps गेमिंग आपको करा के दे देंगे और बाय डिफॉल्ट आपको अनलॉक देखने को मिल जाते हैं। हीटिंग वगैरह की कोई दिक्कत आपको दोनों फोन में नहीं होगी। चार्जिंग वगैरह के ऊपर टेस्ट करके देखा, गेम खेल के देखा, रियल प्रैक्टिकल लाइफ में टेस्ट करके देखा, कोई भी फोन ज्यादा ओवरहीट नहीं करता। सीपीयू थ्रॉटलिंग का टेस्ट किया तो मोटो का स्कोर आपको 73% है एंड Vivo T3 Pro का स्कोर आपको 82-83% का स्कोर है आपकी सीपीयू थ्रॉटलिंग के वो देखने को मिल जाते हैं। तो परफॉर्मेंस वाइज यहां पर जो आपको परफॉर्मेंस है Vivo T3 Pro की ज्यादा देखने को मिलेगी। आपके डेली लाइफ के जो भी हैवी काम है, नॉर्मल काम है, Vivo T3 Pro आराम से हैंडल कर लेगा, कोई दिक्कत उसमें आपको नहीं आएगी। Moto Edge 15 भी बढ़िया परफॉर्म करता है, लेकिन कुछ केसेस के अंदर भाई ये लैग कर जाता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कैमरा की। तो देखो Vivo T3 Pro में आपको मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का सोनी के सेंसर के साथ, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 60 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलेगी। वहीं Moto Edge 15 Neo में आपको मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का सोनी के सेंसर के साथ, 30 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 10 मेगापिक्सल टेलीफोटो और 32 मेगापिक्सल की भाई आप लोगों को सेल्फी मिलेगी। देखो Moto Edge 15 Neo से आप लोग फ्रंट बैक दोनों कैमरा से 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। Vivo T3 Pro से आप उसे बैक कैमरा से 4K वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे, बाकी फ्रंट कैमरा से 1080p के अंदर वो शूट कर लेते हैं। अब कैमरा क्वालिटी की बात करें, देखो कैमरा UI भी आप लोगों को दोनों फोन का बिल्कुल डिफरेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पर भाई जो सॉफ्टवेयर आपको पसंद हो उसके हिसाब से वो कैमरा UI यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब आप सबसे पहले ये फोटो चेक करो जो मैंने दोनों फोन के बैक कैमरा से कैप्चर किया। मोटो की जो क्वालिटी है भाई बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल आती है, लेकिन कलर्स आपको बूस्टेड देखने को मिलेंगे, स्किन टोन हल्की सी रेडिश आती है। Vivo की जो क्वालिटी है वो आप लोगों को बिल्कुल बढ़िया देखने को मिलेगी, कलर्स वगैरह काफी अच्छे हैं, स्किन टोन आप लोगों को भी नेचुरल देखने को मिलेगी। तो हल्का जो फोटो है वो आपको Vivo के फोन के अंदर एडिट करना पड़ेगा, तभी आप लोग उसको सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर सकते हो। लेकिन मोटो में ऐसा कोई तड़का आपको ऐड कर नहीं लगाना है, आराम से फोटो खींचो सीधा सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर दो। अब आप ये कैमरा सैंपल चेक करो जो मैंने दोनों फोन के बैक कैमरा के पोर्ट्रेट मोड से क्लिक किया। यहां पर भाई जो बोके इफेक्ट है वो आप लोगों को तगड़ा भाई Vivo और मोटो दोनों के अंदर देखने को मिल जाता है, कोई ऐसा पोर्ट्रेट में आपको दिक्कत नहीं होगी। दोनों फोन अच्छे से फोकस कर लेते हैं, एजेस के ऊपर ब्लर और दोनों फोन आपको काफी बढ़िया देखने को मिल जाते हैं। अब फ्रंट कैमरा क्वालिटी की बात करें तो वहां पर जो क्वालिटी है मुझे मोटो की बेटर लगी। Vivo का जो फ्रंट कैमरा क्वालिटी है डल कलर्स आते हैं और क्वालिटी भी उतनी बढ़िया नहीं आती, जबकि Moto Edge 15 में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, अच्छी क्वालिटी निकाल देता है, बढ़िया क्लियर आप लोगों को क्रिस्टल क्वालिटी मिलेगी और साथ में कलर्स वगैरह भी काफी अच्छे आते हैं। तो यहां पर अगर आप लोगों को कैमरा के लिए फोन लेना 20-25 हज़ार रुपए के अंदर, तो आप लोग आंख बंद करके Moto Edge 15 ले सकते हो। तो फाइनली दोस्त ये था इन दोनों फोन का डिटेल का कंपैरिजन, सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर कर दी। और फटाफट से आपको बताता हूं इन दोनों फोन में से आपको कौन सा फोन खरीदना चाहिए। Vivo T3 Pro भाई उन लोगों को टारगेट करता है जिनके भाई आप एक बढ़िया डिजाइन चाहिए, डिस्प्ले कर्व चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए। Moto उन लोगों को टारगेट करता है जिनको कॉम्पैक्ट फोन चाहिए और फ्लैट डिस्प्ले चाहिए, साथ में कैमरा बढ़िया चाहिए। यहां पर आप लोगों को अपनी नीड के हिसाब से जो फोन है वो चूज करना पड़ेगा। अब आप लोग देख लो भाई आपकी नीड को Vivo फुलफिल करता है या Moto फुलफिल करता है, उसके हिसाब से आप लोग यहां पर इन दोनों फोन में से एक फोन को चूज कर सकते हो। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।